लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अदालत ऐसे खतरनाक मुजरिम को जिंदा रहने का हक कैसे देती है? ये बॉम्बे धारावी का वो खतरनाक गुंडा स्मगलर है जो बच्चों के भविष्य को गुनाहों के कपड़ों में लपेटकर उन्हें मुजरिम बनाता है। योर ऑनर, आज इस गुंडे पर जबकि 12 स्मगलिंग, 6 डकैती, 3 बलात्कार और 2 खून के इल्जाम है, फिर भी इससे अदालत दलील करे, ये मेरी समझ के बाहर है। योर ऑनर। यस योर ऑनर, मैं इस गुंडे स्मगलर को बरसों से जानता हूँ। इंस्पेक्टर शिंदे का खून इसी ने किया है और इसका सबूत मेरे पास है, मेरे पास। हमारे शहर के माने हुए रिटायर्ड आईजी श्रीकांत माथुर, क्या उनकी गवाही इसे फांसी चढ़ाने के लिए काफी नहीं? अदालत रिटायर्ड आईजी श्रीकांत से दरखास्त करती है कि 18 सितंबर की अगली तारीख को मुजरिम पाशा के खिलाफ जितने सबूत हैं वो अदालत के सामने पेश करे, ताकि अदालत को पाशा की सजा का फैसला करने में मदद मिले। दरवाजा खोलो। पाशा यहाँ? कालू, यह चिट्ठी पाशा सेठ तक पहुंच जानी चाहिए, समझ गया ना? कौन सा वाला? ऊपर वाला। जाओ। पाशा, हम सब लोगों की राय है, अगर आईजी श्रीकांत को कोई अपनी मुट्ठी में कर सकता है तो वो एक ही है, तुम्हारा अपना प्यादा जैकी। जैकी? क्यों भाई, ये जैकी दादा के गैरेज है? ये दिखता नहीं तुमको, जैकी दादा का ही गैरेज है। क्या काम है तुमको? हमें उनसे थोड़ा मिलना था। वो 8 के बाद गैरेज पे नहीं मिलते। क्या बता सकते हैं इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे? जैकी दादा से इस वक्त मिलना ठीक नहीं, हमें कुछ उनसे जरूरी काम था। जाने दे, मरने दे, अपने को क्या करना है। तो जाओ, वो सामने गली है ना, वहीं दारू का अड्डा है, जैकी दादा वहीं मिलेंगे। जैकी दादा, जैकी दादा, मुझे पहचाना? नितिन, भास्कर, बंगाली दादा, मैं आऊं। आओ बंगाली मास्टर, कैसे हो? जैकी दादा, आपने तो सब बार भालो करें। अजय सब भालो करे, तार नाम जैकी दादा। अबे ओए, हिंदी में नहीं बोल सकता? हाँ, थोड़ा थोड़ा। मेरा मतलब है, ये मेरा सपना है, सपना। दादा, आप तो जानते ही हैं, मैं गरीब मास्टर हूँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, 2 से। तो शादी कर लो इससे। वो ही तो नहीं करने देता। कौन? इसका भाई रमन, अमीर आदमी है ना। रमन मेरा सौतेला भाई है जैकी दादा, वो मेरी शादी किसी अमीर स्मगलर से कर देना चाहता है, लेकिन हम गरीब आदमी है ना। गरीब? गरीब हुआ तो क्या हुआ? इसके भाई ने हमें गुंडों से पिटवाने की धमकी दी है। क्या? सपना, तुम सचमुच इससे शादी करना चाहती हो? अगर शादी ना हुई तो मैं जहर खा के जान दे दूंगी। रोमत, रोमत। संतो, कल सुबह पंडित को बुलाओ, 11 इन दोनों की शादी हम कराएंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू। कल 11 तुम्हारी बहन की शादी जैकी के बस्ती में होगी। जब तक हमारा दोस्त बिल्ला जिंदा है, ये शादी कभी नहीं होगी।
बिल्ला के पहुंचते ही सब बिल्लियां हो जाएंगी। आज जिसने भी हमसे टक्कर लेने की कोशिश की वो अपनी जान का जिम्मेदार खुद होगा। बिल्ला बिल्ला, अरे डरते क्यों हो चाचा, इन सब के लिए तो हमारा एक हीरो काफी है, जैकी। तुम हमारे लफड़े मत आओ। ये किसी गरीब की मोहब्बत का सवाल है बिल्ला। तो हमसे दुश्मनी? तुमसे क्या, जमाने से भी मंजूर है। अपनी बस्ती, अपने चमचे और चाकू चूरी के साथ बंगाली की शादी का वादा सिर्फ चाकी ने किया है, तो जैकी ही मरेगा। ठीक कहा तुमने संतो, हथियार फेंक दो। बिल्ला, इस पवित्र धागे को तोड़कर तुम अंदर चले गए तो जीत तुम्हारी, नहीं तो जीत हमारी। पंडित, तुम मंत्र पढ़ते रहना, जब शादी पूरी हो जाए तो ये धागा खुद ही तोड़ देना। ओम स्वाहा शादी हो गई जैकी दादा।
जैकी क्या बा? ये पाशा की चिट्ठी तुम्हारे नाम। जैकी मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, एक नई जिंदगी दी, पर आज मेरी जिंदगी खतरे में है। 25 सितंबर को अदालत में रिटायर्ड आईजी श्रीकांत माथुर की गवाही पर मुझे फांसी की सजा हो सकती है। इस हरामी श्रीकांत माथुर को तुम्हें उस गवाही से रोकना होगा। कैसे तुम ज्यादा जानते हो। इस वक्त श्रीकांत अपने परिवार के साथ खंडाला में जन्माष्टमी मना रहा है। तुम्हारा वारिस पाशा। संजो, लागो, गाड़ी, मारे। ओहो, हवा में बंदूक चलाकर किसे डरा रहे हैं आईजी साहब? बंदूक चलाने और धमकाने का टाइम गया श्रीमती जी। अब तो हम सिर्फ एक रिटायर्ड आईजीपी हैं। बड़े काका, हाँ? उमा बेटी ने आपको ये फोटो दिखाने को दी है। वाह वाह वाह, प्यारे बाबूजी, आपकी लाडली बेटी राधा, देखा, अब की हमारी बेटिया कॉलेज के यूथ फेस्टिवल के लिए अपने बाबूजी का साथ छोड़ गई। शुक्र है आपकी लाडली बहन तो यहाँ मौजूद है। संध्या, ठीक है जमुना हमारी बहन है, लेकिन उसे समझाओ कि विधवा औरतें ऐसे मुंहपट नहीं हुआ करती। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, विधवा है ना, इसलिए कुछ कहते भी नहीं बनता। अरे शांति, कहाँ है जमुना? पीछे की तरफ बैठी है, कोई धार्मिक किताब पढ़ रही है। मामा, काकी बुला रही है। तू जा बेटा, मैं आती हूँ, जा। क्या देख रही हो माँ? कुछ नहीं, जरा प्राचीन परंपराओं के दृश्य देख रही हूँ। मैं भी देखूंगा माँ। ये परंपराएं बड़े होकर पड़ी जाती हैं। तू जा, उमा आंटी के साथ जाके खेल, जाके देख देख, वो अपने हीरो की फोटो के साथ चिपके होगी। मांटी, मांटी एक बात बताओ, ये हीरो क्या होता है? हीरो, हीरो, हाँ, जैसे रामायण के श्री राम और महाभारत के श्री कृष्ण। और आपके हीरो? मेरे हीरो ये। और राधा आंटी के हीरो? राधा आंटी के हीरो, राधा आंटी के हीरो अभी उसके सपने में है। वो शायद किसी दूर वादियों में या पहाड़ियों में सात घोड़ों के रथ पर सवार होकर आ रहा होगा। घबराने की कोई बात नहीं है श्रीकांत, मुझे पाशा ने भेजा है। जैकी नाम है मेरा। काम बोलो। 25 सितंबर को अदालत में पाशा के खिलाफ तुम्हारी गवाही है।
उससे पाशा को फांसी की सजा होगी। होगी और जरूर होगी। नहीं होगी, क्योंकि तुम अपना बयान वापस लोगे। तुम जैसे छोटे मोटे गुंडों की धमकियां सुनते सुनते 35 साल गुजर गए बरखोदा। मैं चाहूं तो तुम्हारे पूरे परिवार को 5 मिनट में सफेद कफन पहना सकता हूं, लेकिन तुम्हारा घर हरा भरा है, उसे हरा भरा रखना तुम्हारे हाथ में है। मेरा फर्ज था तुम्हें चेतावनी देना, दे दी। खुशकिस्मत हो दोस्त, मेरी बंदूक आज ही खुली है। आपकी लाडली बेटी राधा। रुक जाओ श्रीकांत, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं, लेकिन तुम्हारे रोने वाले बहुत लोग हैं। सोच लो, गवाही को 19 दिन बाकी हैं। संधो, चलो। हे किशन जी, क्या जन्माष्टमी दिखाई है आज हमको? काका, हमें फौरन बंबई चले जाना चाहिए। कभी नहीं, श्रीकांत माथुर किसी की धमकी से न कभी हिला है न कभी हिलेगा। शुक्र है आज बंबई से यहाँ दामोदर नहीं आया, वरना लाशों के ढेर लग जाते। रहने तो भाभी, दामोदर को भी देखा है, बस वर्दी ही वर्दी है, दिल तो उसका चूहे जैसा है। इंस्पेक्टर दामोदर। लाल जी, भारत चाचा, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई, श्रीकांत जी कैसे हैं? जी मजे में है, आजकल खंडाला में। अच्छा, ठंडी हवा खाने गए हैं? अच्छा अच्छा, बेटे कभी मिलते जुलते रहा करो, बातचीत होती रहती है। क्या करें भारत चाचा, हमारे कुछ भारतवासी पुलिस वालों को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं देते। मगलर ना? जी हाँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा चाचा जी, मैं चलूँ जरा जल्दी में। हाँ बेटे, ड्यूटी करो ड्यूटी करो। क्या था क्या हो गया? अरे बरखुर जा रहा अपना अजीज है, अपने श्रीकांत जी है ना आई जी, वो अनाथ हालत उठाकर लाए थे, बेटे की तरफ पाला और आज इंस्पेक्टर हो गया। सुना है बहुत कड़क है वो। ऑल राइट, खड़े हो जाओ, सब लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। भाई तुम लोग नहीं, तुम लोग पीछे खड़े रहो। क्या नाम है तुम्हारा? रीना। तुम्हारा? टीना। तुम्हारा? रोजी। असली नाम? गंगा लक्ष्मी। ओ, गंगा और लक्ष्मी, तुम लोग गंगा और लक्ष्मी को बदनाम कर रहे हो तीनों और रीना बनकर। तुम सब नारी के नाम पर एक धब्बा, शराफत की छत के नीचे बदमाशों का अड्डा खोल रखा है तुमने। मैं तुम सबको हवालात की हवा खिलाता हूँ। नहीं साहब, मुझे घर जाने दीजिए, मेरे छोटे भाई को 104 बुखार है, उसी के इलाज के लिए सब करना पड़ा। मैं एक बेसहारा लड़की हूँ, घर में खाने तक को कुछ नहीं मेरे पास। परसों मेरी माँ भी गुजर गई। कैसे? उसे दमे की बीमारी थी, डॉक्टर के इलाज के लिए पैसे भी न थे। तुम जाओ घर जाओ। तुम नहीं। हेलो 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 हेलो, इंस्पेक्टर दामोदर स्पीकिंग। हाँ मैं उमा बोल रही हूँ। अरे उमा, तुमने यहाँ कैसे फोन किया? आप पुलिस स्टेशन से पता चला कि आप यहाँ हैं। क्या हो रहा है साहब जी? बस कुछ नहीं, काम हो रहा है काम। पल्लू ऊपर करो। पल्लू ऊपर करो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। हाँ बोलो। वो राधा कहाँ है? हाँ वो यूथ फेस्टिवल में गई है ना, कल वापस आ रही है, ठीक ठाक है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? पल्लू ऊपर करो। कल बम्बई आकर बताऊंगी तुमको। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात तो बताओ, हमारी याद आती है? आती है। आपको आती है? हाँ मुझे भी बहुत याद आती है, इसीलिए तो पल्लू ऊपर करो। ये क्या हो गया आपको? पल्लू ऊपर करो। नहीं मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। अच्छा मैं फोन रखता हूँ। ये आईजी बहुत कड़क दिखे हैं, ईमान से लगता है कोई दूसरी तरकीब सोचनी पड़ेगी। तरकीब है मेरे पास। कौन सी तरकीब? तुम लोग डाकुओं के भेष में जाओगे और मैं पुलिस वाला। फिर? फिर अपने कब्जे में होगी श्रीकांत की लाडली बेटी राधा।
कोई आ रहा है। ले चलो प्लीज। एक मिनट, शीला कोई जा रहा है। सो जा। हट जाओ, हट जाओ संध्या, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। मैं उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। श्रीकांत साहब, तुम्हारी बेटी राधा तब तक मेरे कब्जे में रहेगी जब तक पाशा कानून के कब्जे से नहीं निकलता। याद रहे, गलत हरकत से तुम्हारी बेटी की इज्जत और जान दोनों ही जा सकती हैं। तुम्हारा दुश्मन जैकी। धीरज रखेगा, इस तरह गुस्से से काम लेने से उसकी जान भी जा सकती है। उससे पहले मैं उन सब की जान ले लूंगा दामोदर। वो श्रीकांत माथुर की बेटी है। वो सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी बेटी है। ये दे दीजिए मुझे। होश में आइए आप। और काकीम को समझाइए ना, कानून को अपने हाथ में न ले, मुझ पर भी तो कोई भरोसा रखे। आखिर मैं भी तो कुछ हूँ इस घर का, मैं लेके आऊंगा राधा को। आप इनको संभालिए, मैं पुलिस में फोन करता हूँ। भगवान, ये देखते देखते क्या हो रहा है राधा बेटी। आशा, आज तूने श्रीकांत की आन को ललकारा है। मैं तुझे और तेरे बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आई जी श्रीकांत, अब तुम्हें समझ आएगी भाषा की भाषा। शाबाश जगी। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम तो पुलिस वाले नहीं। बेबी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा साथ फोड़ दूंगी। मैं कहती हूँ चले जाओ, चले जाओ। देख गुरु, ईमान से बोल रहे हो, कोई गुंडे या बदमाश का काम होता ना तो हम संभाल लेते। ये शहजादी बड़ी तेज चीज है, हमसे नहीं समझती। उसे कब से समझा रहे हैं कि हम पुलिस वाले हैं, गुंडे नहीं, और उसको उसकी भलाई के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया है। पर वो हमें पुलिस वाला मानती नहीं। 18 दिन रखना है, कैसे संभालोगे? नाजुक लड़कियां दादागिरी करते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम लोग गुंडे हो जो मुझे उठा कर ले आए हो, लेकिन मेरा नाम ही राधा माथुर है। तुम जैसे नीच कमीनों को मैं ठीक करना चाहती हूँ। मुझसे ऐसी हरकत कभी नहीं करना, समझे? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरे सेवर सब कुछ ले लीजिए, लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। देखो जो तुम समझ रही हो, हम नहीं है। हम सरकारी नौकर हैं, हमें जो हुक्म मिलेगा हम वही करेंगे। फिर मेरे पिताजी से मेरी वायरलेस से बात क्यों नहीं करवाते? ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे डैडी के एक डाकू से दुश्मनी का नतीजा है। वो डाकू तुम्हें उठा ले जाने के लिए दिन रात तलाश में है। इसलिए हमारे आईजी साहब ने शहर से दूर तुम्हें हमारी सेफ कस्टडी में रखने को कहा है। लेकिन मैं ये कैसे विश्वास कर लूं कि ये सब नाटक नहीं है? कोई सबूत तुम्हारे पास? 24 घंटे इंतजार करो, सबूत भी मिल जाएगा तुम्हें। अरे, ये तो टेप है। ये टेप कौन वो फेंका? सलाम साहब, समस्या अपनी अपनी, तरीके अपने अपने। आपकी बेटी को सबूत चाहिए, हमें आपका बयान चाहिए, और आपको बेटी की जिंदगी चाहिए। टेप की दूसरी तरफ आपको अपनी आवाज में सिर्फ इतना ही कहना है जो मैं कहने जा रहा हूं। गौर से सुनो प्यारी बेटी राधा, वक्त की कमी और डाकुओं के खतरे ने हमें मजबूर कर दिया कि तुम्हें इंस्पेक्टर जयकिशन और स्टाफ के साथ भेजना पड़ा। इंस्पेक्टर जयकिशन हमारा बहुत ही अजीज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। तुम निश्चिंत होकर वहीं रहो जब तक मैं दूसरा संदेशा नहीं भेजता, बाकी बाद में।
तुम्हारा पिता श्रीकांत। इसे रिकॉर्ड करने के बाद आप उस टेप को महालक्ष्मी के बड़े दरवाजे के पीछे रख देंगे। श्रीकांत सेठ, अगर इसमें तुम्हारी या पुलिस की कोई चाल हुई तो राधा की लाश का आधा टुकड़ा गठरी में बांध के तुम्हें भेज दूंगा। ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्यों घर के बर्तन फोड़ रहे हो? जब बेटी की लाश घर में आएगी तो फोड़ता मेरा सर। श्रीकांत मर जाएगा संध्या, लेकिन एक मामूली गुंडे के सामने कभी नहीं झुकेगा। फिर मुझे झुकना पड़ेगा। अब काकी आप इनको समझाइए ना, ये वक्त दिल से नहीं दिमाग से काम लेने का है। आखिर राधा की जिंदगी का सवाल है। आओ उमा। उमा क्यों भाई? आओ उमा। राधा, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। वक्त की कमी और डाकुओं के अचानक हमले ने हमें मजबूर कर दिया कि तुम्हें इंस्पेक्टर जयकिशन और पुलिस स्टाफ के साथ भेजना पड़ा। इंस्पेक्टर जयकिशन हमारा अजीज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। जब तक तुम्हें मेरा दूसरा संदेश न मिले, तुम निश्चिंत होकर वहीं रहना, बाकी बाद में। ठीक है, लेकिन इतने दिन मेरा होगा क्या? ये जरा तेज बोलता है। इसके कहने का मतलब है वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। जी नहीं, वही होगा जो मंजूरे राधा होगा। क्या मतलब? मैं कौन हूँ? लड़की हो? मैं लड़की हूँ। हाँ, खूबसूरत लड़की हो। जी नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ। तो तुम क्या हो? मैं आईजी की लड़की, यानी कि इस वक्त आपके सामने आईजी मैं हूँ। इसलिए मेरे सामने ये दारू बीड़ी कुछ नहीं पियोगे, और आप लोग मेरी तरफ नजर उठाकर कभी नहीं देखोगे। अंधे हो जाएंगे ईमान से। और लगता है आपके हीरो को मेरा आइडिया जरा पसंद नहीं आया। हमें भी पसंद नहीं आया। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सुनो, देखो भाई, मुझे जरा सुबह शाम दूध पीने की आदत है। अरे ओ लेडी डायना, ये जंगल है, तुम्हारे पिताजी का महल नहीं। दाल भात लाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे और तुम्हें भी खिलाएंगे। जी नहीं, खाना मैं पकाऊंगी और तुम लोगों को खिलाऊंगी। अब जाओ और शरीफ आदमियों की तरह नहा धोकर आओ। क्या गुंडों जैसी शक्ल बना रखी है। हम गुंडे हैं तो क्या लगेंगे नहीं ईमान से। क्या ये कह रहा है? अगर गुंडों का भेष बदला है तो गुंडे लगने भी तो चाहिए ना। ओ ठीक है। अरे मैंने तो तुम लोगों का नाम भी नहीं पूछा। तुम्हारा? संतु। रघु। गानी। मोहित। संतु, रघु, गानी, मोहित, यानी कि सा रे गा मा। बेसुरे पुलिस वाले और नाम सुरो वाले। रे गा मा। एक ही पेटी के सुर। संतो, अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। इस पेटी के सुर। चलो यार, हीरो बुला रहा है। कुछ भी कहो यार, क्या लगती है साली। एक बात याद रखना दोस्त, लड़की के चक्कर में हम अपना मकसद ना भूल जाए। ये लड़की 18 दिन टिकने वाली नहीं, एक दिन भाग जाएगी। जिस दिन भागने की कोशिश करे तो सीधी गोली मार देना उसे। सब Thank you.
गुड लक। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, गाना अच्छा गाती हो तुम। अच्छा, सुना आपने? जी हाँ, मैंने सुना। हमने तो देखा भी। देखा? सब देखा। क्या? इसके कहने का मतलब है कि आप बहुत सुरीला गाती हैं। कौन गा रही हैं? ये कह रहा है कि आप कमाल का गाती हैं। कमाल है? चोर डाकुओं के पीछे भागने वाले आज सुरों के पीछे भाग रहे थे। बेबी, अभी हमारे अंदर के कमालात तो तुमने देखे ही नहीं है अभी। लेकिन इस तरह अकेले खुलेआम घूमना अच्छा नहीं है। मालूम है, मालूम है। सुर संगीत से तो कोसों दूर है आप लोग। मैं भी पुलिस वालों की बेटी हूँ। सुबह शाम एक ही काम, अरेस्ट अटैक, अरेस्ट अटैक। संधू हेलीकॉप्टर। जरूर मेरे बाबूजी होंगे मेरी तलाश में। चुप बैठो, ये वही डाकू है जो तुम्हें। डाकू? हाँ। हेलीकॉप्टर में? ये साले रईस डाकू हैं, घोड़ों पे नहीं हेलीकॉप्टर पे घूमते हैं, ईमान से। अच्छा अच्छा, बाबूजी भी एक दिन कुछ ऐसा ही कह रहे थे। ऐसा था। अरे भाभी, ये बच्चों की इस तरह क्या घबरा रही हो? श्रीकांत भैया खुद गए हैं ढूंढने के लिए, उस बदमाश को पकड़ कर लाते ही होंगे। जमला, कैसे भी मेरी राधा को ढूंढ कर ले आओ। हाँ भाभी, राधा जरूर आएगी, जरूर आएगी। पर हाय हाय, किस हाल में? मेरा तो दिमाग फटा जाता है। वो जवान छोरा, जवान छोरी, ऊपर से अकेले, वो भी जंगल में। जाने वो छोरा उसके साथ क्या कर रहा होगा। अपनी राधा है भी तो बच्ची, उस बेचारी को कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। अपनी राधा का क्या होगा? क्या कर रही हैं आप? इस तरह से तसल्ली देते हैं क्या? अरे उजड़ों को क्या तसल्ली देना, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। मैं तो भगवान से यही कहती हूँ कि मुझे क्यों नहीं उठवा दिया। अगर उन डाकुओं को उठा के ले जाना था तो मुझे उठा के लेके जाते, बेचारी राधा को क्यों। अरे रे रे, वो जवान छोरी, जवान छोरा।
अरे मोहन इधर आ रहे, पीठ पे हाथ नहीं पूछता साला। अबे मोहन जरा इधर आ बेटे। बाप रे। अबे मोहन पीठ पे सामान आ रहा है, इधर आ। आजा बेटे आजा, पीठ पे सामान लगा दे। अरे अरे क्या लड़कियों जैसे लगाता बे, जरा जोर से लगा बेटे। शाबाश, कुछ भी बोल बेटा, लड़की अच्छी है, लगता है बाहर में बाहर आ गई। अपनी 10 साल की जिंदगी चोर और हरामियों में गुजरी, क्या गाती है क्या नाचती है, वाह। अबे जरा आगे भी तो लगा बे। तुम? हाँ बेटे। बड़ी बेशरम लड़की हो तुम? तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हें घर घोड़े पे भगा कर ले जा रही हूँ। बड़ी बदतमीज लड़की हो। अरे वाह, अभी तो मैं बाहर में बाहर थी। संतो, लड़ो। आप फिक्र मत कीजिए श्रीकांत जी, हमने महाराष्ट्र से गोवा तक की तमाम पुलिस फोर्स को इन्फॉर्म कर दिया है। जी हाँ, और उन लोगों की छानबीन दिन रात जारी है। हो सके तो गुजरात और कर्नाटक के आईजी से भी मेरी बात करवा दीजिएगा। ओके सर, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? बाबूजी और माँ की बहुत याद आ रही है, बहुत बुरा सपना देखा मैंने। सपने तो सपने होते हैं, इनका क्या इस बार? बाबूजी को तो फिक्र ही नहीं है मेरी, मैं कहाँ हूँ कैसे हूँ। लेकिन हम लोग उन्हें बराबर खबर पहुँचाते रहते हैं, तुम क्यों फिक्र करती हो? तुम सब पुलिस वाले एक जैसे हो, तुम्हारा दिल नहीं पत्थर है पत्थर। तुम्हें क्या मालूम बिना माँ बाप के जीना क्या होता है, तुम्हें तो कुछ लगता ही नहीं ना, कोई घर बार माँ बाप शायद है ही नहीं तुम्हारे, इसीलिए दर्द नहीं होता तुम लोगों के सीने में। प्यार किया ही नहीं तो जानोगे क्या कितना दम घुटता है मेरा, यहाँ जेल में बंद कर रखा है मुझे, न खुल के घूम सकती हूँ न गा सकती हूँ, और सुनना की तो चीज ही नहीं तुम लोगों के दिल में, और तुम। चिंता मत करो बेबी, हम तुम्हारे साथ हैं। थोड़े दिनों की तो बात है, डाकुओं का खतरा टलते ही हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। तुम्हें तो कुछ लगता ही नहीं ना, कोई घर बार माँ बाप शायद है ही नहीं तुम्हारे, इसीलिए दर्द नहीं होता तुम लोगों के सीने में। प्यार किया ही नहीं तो जानोगे क्या। ऐसी अशुभ बात मत करो शांता, आज मैं तुम्हारी सारी दवाइयां ले आऊंगा, आज मैं अपनी सबन से आधे दामों में बेच दूंगा। अब मेरी आस छोड़िए, अपना ख्याल कीजिए, डॉक्टर ने आपको बांसुरी बजाने से बना किया है। डॉक्टर लोग तो सिर्फ हमारी बीमारी पहचानते हैं, हमारा दर्द नहीं, हमारी गरीबी नहीं। शांता तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा मत कहिए, अभी हमारे किशन को बहुत बड़ा बनना है, पढ़ना है लिखना है, नेक इंसान बनना है। ठीक है शांता, मैं बांसुरी नहीं बजाऊंगा, लेकिन भेज तो सकता हूँ ना। चल किशन, आज हम खूब बांसुरियां बेचेंगे। इधर आ, इधर आ। इस तरह जोर जोर से बंसरी बजाने से कुछ नहीं होगा। पाशा सेठ, मेरी बीवी बहुत बीमार है, मुझे पैसे की बड़ी सख्त जरूरत है। पैसे चाहिए?
ले पैसे ले। आप मेरी सब बंसरियां ले लो, मुझे पैसे दे दो। बंसरियां? वो तेरी बंसरियां मैं सर्वे मारूंगा। और कोई तुन सुना तुन, कोई रावी ते चनाब वाली तुन, कोई रांझे वाली तुन। मैं आपको रांझे की धुन सुनाऊंगा, सब धुन सुनाऊंगा। हाँ जरूर। नहीं बापू नहीं, माँ ने ज्यादा बंसी बजाने से मना किया है। अरे तू चुप रहे, देखता नहीं पाशा सेठ कितने पैसे दे रहे हैं। बैठ 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 सुना सुना। गई बंसरी तेरी। पाशा सेठ मैं बजाऊंगा बांसुरी, बजाऊंगा जरा तुम ले लो। नहीं बापू तुम बंसरी नहीं बजाओगे, मैं बंसरी बजाऊंगा। मैं पाशा सेठ मैं आपको बंसरी बजा के दूंगा। तू बंसरी बजाएगा हा? बजा। बांसुरी की भाषा कोई नहीं समझता बच्चे, ये दुनिया सिर्फ लाठी की भाषा समझती है, सिर्फ लाठी की। चल पाशा तुझे अपनी भाषा सिखाए। लेकिन मैं तुम्हें किशन ही कहूंगी। मालूम क्यों? क्योंकि तुम बांसुरी बहुत अच्छी बजाते हो। कहाँ से सीखी? बांसुरी की धुन में ही बचपन गुजरा है मेरा, पिताजी बजाया करते थे ये धुन। मालूम है घर जाके मुझे तुम लोगों की बहुत याद आएगी। रियली? रियली? सुनो तुम हमारे घर जरूर आना। हाँ मेरे बाबूजी बहुत अच्छे आदमी है। मालूम है बचपन में वो मुझे कितना रुलाया करते थे, कहते थे सुनो बेटी मैं तुम्हारी शादी किसी पुलिस वाले से ही करवाऊंगा, पुलिस वाले मुझे कभी पसंद ही नहीं आए। आप क्या कहोगी घर जाकर? अब कहूंगी कि ठीक है एक पुलिस वाला है जो मुझे बहुत पसंद है, अगर वो बीड़ी पीना छोड़ दे तो। बीड़ी पीना? हाँ तो। रेले रेले अगर मैं पुलिस वाला ना होता तो भी। लेकिन उनको मारने से पहले राधा को बचा के ले आना बहुत जरूरी है। पर मुश्किल ये है कि अगर पुलिस उन लोगों को पकड़ भी लेती है
या उन पर हमला करती है तो वो फौरन राधा पर गोली चला देंगे या भागने के लिए राधा पर बंदूक रख देंगे। आई थिंक सो सर। सर आई हैव गॉट वन आइडिया। अगर हम डाकुओं के भेष में उनके पास जाएं और उन पर हमला करें तो हाँ तब वो राधा को बचाकर भाग निकलेंगे और हमारा नेटवर्क उन्हें पकड़ लेगा। दैट्स गुड आइडिया। Ding dong,
मोटरसाइकिल पे राधा को लेके भाग जाओ, लेकिन वो लोग राधा की तरफ ही बढ़ते हैं। नहीं दोस्त, मैं तुम लोगों को छोड़ के अकेले नहीं। तुम्हें दोस्ती की कसम है, प्लीज चले जाओ। लेकिन राधा, राधा को बचाने का रास्ता मेरे पास। वो कैसे? मैं कैसी लगती हूँ? चुप है। Along with the policemen, moving along with us, six inspectors, with the walls, all the things blasting. The blasting going on. The rest, by my road. That's the one you are in the अरे राधा, मैं इतनी जोर से राधा राधा चिल्लाता रहा, तुमने मेरी आवाज पहचानी ही नहीं। आओ चले। मुहित आगरे वाला हिमंत, कुछ नहीं। जैके हमारे हाथों से बचकर निकल गया सर, कुछ मालूम नहीं कहां गया। किशन, क्या हुआ किशन? किशन, खून, तुम्हें चोट लगी और तुमने मुझे बताया भी नहीं।
थोड़ी देर आराम कर लेने दो। प्लीज प्लीज मदद कीजिए। ऐसा लगता है शास्त्री जी, डाकुओं की गोली हाथ को चीर के पार कर गई है। खून बहुत बह गया है, खून का बहना तो मैंने बंद कर दिया है, पर नब्ज बहुत धीरे धीरे चल रही है। ऐसा करना बेटी, इनको हर एक घंटे बाद एक एक पूरी देती रहना। हाँ। हैं? मैं शाम को फिर आऊंगा। मैं जी माँ के दरबार में आई हो बेटी, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ दूं। किशन ये सब क्या हो गया? किशन क्या हो गया? ये बच जाएंगे ना शास्त्री जी? वह जी ने कहा है बेटी के 24 घंटे के अंदर इसे होश ना आया तो इसकी जान को खतरा है। बेटी इस धर्मशाला और मां के मंदिर का मैं 15 साल से मैनेजर हूं। मैंने यहां बड़ी से बड़ी मुरादें पूरी होती देखी। अगर तुम्हारे प्रेम में सत्य और प्रण है तो मां को झुकना ही पड़ेगा। इस देवी मां के सामने एक सच्चा प्यार करने वाली कुंवारी का यह प्रण है कि जब तक मेरे किशन को होश नहीं आता तब तक मैं ये चूड़ियां नहीं पहनूंगी। पर बेटी ये हुआ कैसे? ये एक पुलिस ऑफिसर है, डाकुओं ने हमारे दो आदमियों को मार डाला और बाकी चारों का कुछ पता नहीं, न जाने कहाँ होंगे वो। तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि इस वक्त जैकी कहाँ है? कहाँ है जैकी? कहाँ है जैकी? तुम हमें जैकी का सही पता बता दो, हम तुम्हें फौरन रिहा कर देंगे। बताओ बताओ कहाँ है जैकी? सर, जैकी के दो साथी मारे गए और चार को जेल हो गए। फिर भी आप मेरी बेटी को नहीं ला सके। जैकी को गोली लगी है सर, वो दूर नहीं जा सकता, वो यहीं कहीं होगा। तो सुजा, वो पाताल में क्यों ना हो, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लूं मैं वापस घर नहीं जा सकूंगा। आप सर? हाँ मैं। अब जैकी की लाश मैं तुम्हें ला कर दूंगा। अपनी तकदीर तो जीरो है।
किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। कोई ऐसा खुश नसीब होता है, कोई कोई ऐसा खुश नसीब होता है। तेरी बातें तू ही जाने, मैं तो बस इतना जानूं, जानूं जानूं जानूं। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम महानी का के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है। हो
जानू हूँ तू मेरे दिल पर है। उसके प्रेम में कितनी पवित्रता है और मुझ में कितनी गंदगी है, गंदगी। वो मुझे किशन समझती है और मैं हूं जैकी दादा, जैकी दादा। उसके नजर में मैं एक पुलिस वाला हूं, लेकिन कानून की नजर में एक मुजरिम हूं। उसके बाप का दुश्मन हूं मैं, उसे भगाकर उठाकर लाया हूं मैं। नहीं मां, मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो मां, मुझे सजा दो, मुझे जी भर के सजा दो मां। किशन, किशन, किशन नाम नहीं है मेरा, सुना नहीं तुमने? हाँ सुना, सब सुना। और मेरी नसीब में क्या लिखा है ये भी देख लिया मैंने। किशन, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। झूठ बोलते हो तुम, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा रोम रोम कहता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। किशन, राधा, मैं कानून से भागा हुआ मुजरिम हूं, मैं पापी हूं राधा, मैं पापी हूं। मेरी एक बात मानोगे? मांगना तो मेरी जिंदगी मांगना राधा, क्योंकि तुम्हारे बिना भी ये जिंदगी बहुत भारी पड़ेगी मुझे। किशन, तुम अपने आप को मेरे बाबूजी और कानून के हवाले कर दो। कुर्बानी से प्यार अमर हो जाता है किशन। प्यार एक इम्तिहान है और नतीजे से डरने वालों का प्यार झूठा होता है किशन। दुनिया की नजर में तुम मुजरिम सही, लेकिन मेरी नजर में तुम सबसे बड़े इंसान हो, और यही दिखाना है मुझे इस दुनिया को। किशन, बता दो सबको कि तुम्हारे दिल में भी प्यार है, दर्द है, सच्चाई है। जो तुम कहोगी वही होगा किशन। अब जो तुम मुझे मिल गई हो, मुझे फांसी के फंदे का भी डर नहीं। कानून, कानून के हवाले कर दूंगा मैं अपने आप को। मुझे तुम्हारे प्यार पर फख्र है और हमेशा रहेगा। किशन, मुझसे वादा करो कि तुम जब भी वापस आओगे हम इसी जगह मिलेंगे, इसी मंदिर के पास। जरूर, अगर मैं वापस आया तो। ऐसा मत कहो किशन, सच्चा प्यार करने वालों के साथ ईश्वर होता है। देखते हैं कितना साथ देता है वो। अब तुम जाओ। सुनो,
ये लॉकेट मेरी माँ ने मुझे बचपन में दिया था। काका जैकी ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। जब से आई है गुमसुम बैठी है बेचारी, जाने इन 16 दिनों में क्या क्या हुआ होगा। वो जवान छोरा, वो जवान छोरी। वाह, अब तो बस करो, कल से कितना रोना धोना चला इस घर में, और मत रुला उसे। मैं क्यों रुलाऊं उसे? रुलाएंगे उसे दुनिया वाले जब सगाइयां तोड़ तोड़ के जाएंगे। मैं तो कहती हूँ भाभी, इससे पहले के लोगों में शोर मचे, राधा की जल्दी से शादी करवा दो। राधा, ऐसा लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ भाभी, मेरे दिल पर एक बोझ है। भाभी, मैं आपसे और भैया से कोई बात नहीं छुपा सकती, मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। कानून भले ही जैकी के साथियों को जमानत पर छोड़ दे, पर हमें जैकी की फांसी का हुक्म चाहिए। दामोदर, आप फिक्र मत कीजिए काका, मैंने जैकी के खिलाफ केस कुछ इस तरह तैयार किया है कि उसे फांसी के तख्ते से सुप्रीम कोर्ट भी नहीं बचा सकती। जैकी ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया? हाँ। क्यों क्यों? क्योंकि राधा ने उससे कहा था। राधा ने उसे कहा था? क्योंकि राधा उससे प्यार करने लगी है। राधा? कौन सी राधा? अपनी राधा। राधा उसे अपना पति मान चुकी है। राधा ने उसे एक अच्छा इंसान बनने का वादा लिया है। ये दुश्मनी एक प्रेम कहानी बन चुकी है। सीरियस 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 लव स्टोरी। और अगर जैकी को फांसी हो गई तो राधा, राधा क्या करें? तो मैं जहर खा लूंगी दामू भैया, मैं किशन के बिना जिंदा नहीं रह सकती। वो मुजरिम नहीं है दामू भैया, उसे मुजरिम बनाया गया है। मैंने आज तक आपसे या भाभी से कोई बात नहीं छुपाई। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ, उसने कभी भी मुझे बुरी नजरों से नहीं देखा। वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था मेरे साथ, लेकिन उसने मेरे प्यार की खातिर मौत को भी गले से लगा लिया। दामू भैया, उसे बचा लीजिए भैया, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। नहीं तो आपकी बहन कुमारी ही विधवा हो जाएगी। कैसी बातें कर रही हो राधा, हम तुम्हारे साथ है ना। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। इंस्पेक्टर दामोदर, क्या आपने इस गवाही में इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर आना जरूरी नहीं समझा? यारोना क्या है, वर्दी में हम लोग जरा कड़क हो जाते हैं, गवाही देते वक्त इंसानी जज्बात भूल जाते हैं। यारोना मैं तो वही कहूंगा जो इस गीता में लिखा है। इसमें लिखा है, अगर कोई पापी अपना पाप स्वीकार कर लेता है और उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है तो वो पापी नहीं कहलाता। योर ऑनर, इस जैकी को पकड़ने के लिए हम पुलिस वाले दिन रात मारे मारे फिरते रहे, आखिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, टोटल फ्लॉप सर। ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, क्या ये सबूत काफी नहीं है कि जैकी ने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया? योर ऑनर, ये मुजरिम था है नहीं, ये जो था है ना योर ऑनर, था, इस था और है के बीच में काफी फर्क है। हमें योर ऑनर इस था को भूल जाना है, और ये क्या है और क्या होगा इसके बारे में सोचना है। अगर ये अच्छा इंसान बनना चाहता है तो मेरी दरख्वास्त है कि कानून को इसकी तरफ रहम की नजर से देखना चाहिए, ताकि ये एक अच्छा इंसान बन सके, अच्छा नागरिक बन सके। क्यों यार, मैं कुछ
ज्यादा भूल गया, सॉरी योर ऑनर, मैं जरा जज्बात में आ गया था, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा ठीक कहा ना? हाँ अदालत जैकी उर्फ जयकिशन को दफा 362 के तहत बामुशक्कत 2 साल कैद की सजा करार देती है। जैकी, 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 मेरे ही कुत्ते ने मुझे काटा, मेरे ही कुत्ते ने मुझे काटा। Yes. सर, पाशा 2 आदमी का खून करके भाग गया। क्या पाशा, पाशा भाग गया? जोसेफ? हाँ मैं, घबराओ मत, हम सब तुम्हें लेने आए। अब तुम्हें इन चारों के साथ सीधा सिंगापुर मिस्टर डेविड के पास जाना होगा। तुम्हारा जाली पासपोर्ट तैयार है। मैं तो कहती हूँ अब राधा की शादी में ज्यादा देर करना अच्छी बात नहीं। अरे राधा भी तो अच्छा मिलना चाहिए। वो अपने प्रेम प्रकाश जी का बेटा कैसा है? रिश्ते में जरा नजदीक है, वैसे लड़का ठीक है। नाना करते भी जैकी तो 2 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकता, और 2 साल तक राधा को कुंवारी बिठाए रखना हम दोनों के लिए मुश्किल है। इट्स एन एब्सोल्युटली लॉस्ट केस, गॉन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, आपके एक पुराने दोस्त की चिट्ठी आई है सिंगापुर से। सिंगापुर से? कोई जिमी थापा है। अच्छा अच्छा, जिमी है, कॉलेज में मेरे साथ था, पिछले साल ये कस्टम्स के चक्कर में फंस गया था बेचारा, मैंने इसे निकाला। आपके साथ खींची हुई कुछ फोटोग्राफ्स भी भेजी है, देखिए। अरे बाप रे, कितना मोटा लग रहा हूँ। पढ़ो तो क्या लिखा है। डियर दामोदर, मेनी मेनी थैंक्स फॉर योर हेल्प यू गेव मी इन इंडिया। हिंदुस्तान की पुलिस और कस्टम बहुत शक्की है, इसलिए मैं वहाँ पसंद नहीं करता। मेरा बिजनेस यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, अब तो मेरा हिंदुस्तान आना 2-3 साल से पहले मुमकिन नहीं। शादी भी शायद यहीं करूंगा। तुम्हारे साथ बिताए चंद लम्हों की कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, आशा है पसंद आएगी। उमा, क्या है? राधा की शादी आगे करने का आइडिया मिल गया। कैसा आइडिया? फैंटास्टिक! अरे ओ लल्ला जी, ये बच्चों वाला घर है, जो भी करना है आहिस्ता करो। श्यामा प्रसाद श्रीवास्तव। अरे कौन है ये साहब? मालूम नहीं साहब, लेकिन आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ। अच्छा जी। नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते बहन जी, नमस्ते बहन जी, नमस्ते बहन जी। नमस्कार, माफ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन हम पहचानते हैं आप सबको। वो कैसे? ये लीजिए जी, ये हमारा भतीजा है जिमी श्रीवास्तव, अमेरिका में डॉक्टर ही पढ़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। हम बैठे तनिक? हाँ हाँ जरूर जरूर, तशरीफ रखिए। बात ये है श्रीकांत जी, हम अफ्रीका के रहने वाले हैं, कीनिया के, हिंदुस्तानी जाति के हैं, कायस्थ एकदम। हम कल ही बम्बई आए हैं। ये हमारा भतीजा है ना, इस बेचारे के माँ बाप मर गए हैं, हम अकेले ही बचे हैं। ओहो, हम क्या बताएं इसके बारे में, बहुत ही मेहनती लड़का है। लेकिन आप कहने क्या चाहते हैं? ये आपकी माँ जी हैं? नहीं, ये हमारी बहन है। तो फिर इनसे कहिए बीच में ना बोले। जमुना, 1 मिनट। हाँ तो दरअसल बात ये है श्रीकांत जी, राधा और जिमी कॉलेज में एक दूसरे के साथ ही रह चुके हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी का वादा भी कर चुके हैं। ऐसे हमारे हाथ से प्याला गिर गया था जब हमने ये बात पहली बार सुनी थी। ओह
दरअसल बात यह है श्रीकांत जी, जिमी ने हमें साफ साफ बता दिया था कि अगर ये शादी ना हुई तो दोनों जहर खा लेंगे। हाँ, अब हम सोच रहे हैं। वैसे आपको भी सोचना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। अगर लड़का लड़की घर से भाग गए और कोर्ट में जाकर शादी कर ली तो और अगर उन्होंने जहर खा ही लिया तो उनसे कहिए कि जहर खा ही लें और थोड़ा सा जहर आपको भी दें। हाय राम, लल्ला जी। लल्ला जी, ये क्या बदतमीजी है दामोदर? बदतमीजी नहीं काका, ये हकीकत है। देखिए काका, आपके सामने मेरे लिए सच बोलना और आपके लिए सच सुनना दोनों मुश्किल है, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। लेकिन ये बात सच है कि राधा और वो लड़का जो है, उन दोनों में असीम प्यार है। दामोदर, तुमने लड़का देखा है क्या? हाँ, देखा नहीं, मैं तो उसको जानता भी हूँ, अब अच्छी तरह जानता हूँ। देखिए काकी, अगर हमने राधा की बात मंजूर नहीं की तो एक दिन हमको बहुत पछताना पड़ेगा। दामोदर हमसे झूठ थोड़े ही बोलेगा। लड़का अमेरिका में डॉक्टरी पढ़ रहा है, राधा की मन पसंद का है। अगर हमें एक नेक दामाद मिलता है तो 2-3 साल इंतजार करने में हर्ज क्या है? तब तक राधा भी बीए कर लेगी, और इन हालात में शादी करना कोई आसान बात थोड़ी है। राधा, बाहर आओ, इधर आओ। सारी जिंदगी मेरे सीने से लगकर रही और आज अपने दिल की बात मुझसे छुपा ली। बाबूजी, किशन, मैं तुम्हें जेल में मिलने नहीं आ सकती, और ये खत भी शायद मेरा आखिरी खत होगा। इसी शर्त पर दामू भैया ने मेरी शादी 2 साल तक आगे कर दी है। किशन, कैसे जीऊंगी मैं? ये 2 बरस हर पल हर दिन तुम्हारी याद सताएगी। हम मिलेंगे किशन, वहीं मिलेंगे जहां बिछड़े थे कभी। Oh.
पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले जैकी के अच्छे बर्ताव के कारण सरकार उसे 6 महीने पहले ही रिहा कर रही है। इंस्पेक्टर वर्मा, अगर सरकार मुझे एक खून माफ कर दे तो मैं सबसे पहले उस जैकी का खून कर दूंगा। वो सांप कभी भी फन उठा सकता है। दामोदर, उस पर कड़ी नजर रखी जाए। हाँ, नजर तो मेरी उसी पे है काका, उसी पे मेरी नजर है, लेकिन अब कड़ी नजर रखूंगा, कड़ी। कौन, जैकी यानी जय किशन? वो तो 2 घंटे हो गए यहाँ से चला गया। किशन से मिले हैं ना? नहीं, अभी देख रहा हूँ। देखो जैकी, मेरा मतलब है राधा के किशन, तुम अभी हीरो बने नहीं हो, तुम्हें हीरो बनना है, क्योंकि तुम्हारे माथे पे जो कलंक, मेरा मतलब है था लगा है ना, था का मतलब समझते हो? जी हाँ, मैं इस था को जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सुना है तुम्हें मोटर बाइक का काम बहुत अच्छा आता है? जी हाँ, फर्स्ट क्लास। मेरा एक दोस्त है, उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है मोटर बाइक की। अच्छा, एक काम करो दादा, तुम घर जाओ, तुम्हारे साथ। भाई मुद्दा का कबरू जो आना है, तेरे को नौकरी चाहिए? जी हाँ। श्रीकांत तो अपना पुराना दोस्त है और ये दमोदर तो अपना पुत्र है, अरे इसकी बात तो माननी पड़ेगी। लेकिन चाचा, ये बात आप काका को मत बताइएगा। क्यों? वो अच्छा अच्छा, श्रीकांत को सिफारिश पसंद नहीं है ना? अरे वो तो पागल है, सिफारिश के बिना तो मेरे को भी नौकरी नहीं मिली थी। काका अपनी नौकरी हूं पक्की, समझ? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चिंटू के पापा को हीरो का बहुत शौक था, इसलिए मैं पहनती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं भाभी। काकी, राधा के लिए कैसा रहेगा? कोई लेटेस्ट बताइए ना। लेटेस्ट तो अभी भी बिका है, हमारे सेठ जी के दोस्त ने खरीदा है, देखिए ना उनके हाथ में। लाजवाब, फैंटास्टिक, इट्स अ सुपर पीस। ये तो अपनी राधा का जिमी लगता है। सुनिए, इनका नाम जिमी है ना? जी हाँ, जिमी साहब ही। अरे जिमी बेटा, अरे जिमी बेटा, तुम कब आए? हमको तो परसों बीत गया तुम्हारा इंतजार करते करते। अरे भाभी देखो सामने कौन खड़ा है, अब तक तो फोटो में ही देखा था, आज साक्षात दर्शन हो रहे हैं।
लोग। अरे हाँ हाँ जी जी, आप इंस्पेक्टर दामोदर माथुर को जानते हैं ना? चुप बैठना दामोदर वाली। राधा बोल। राधा करती हूँ। आप, मैं दामोदर की पत्नी हूँ। दामोदर? ओ भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। दामोदर कैसा है? कुछ महीने पहले उसकी चिट्ठी आई तो उसमें लिखा था कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है, खाता पीता मोटा हो गया है। अरे बड़े नटखट हो चिमनी बेटा, चिट्ठियां राधा की और नाम दामोदर का, क्यों भाभी हमको ही बना रहे हैं? ये कोई तरीका तो न हुआ बेटे, तुम इंडिया आए और हमें खबर तक न दी। राधा तो आधी हो गई है। राधा? हाँ हाँ, अपनी राधा जी। क्यों घबरा गए ना अचानक ससुराल को देख के दामाद जी? चलिए इसी वक्त घर चलिए। घर? अरे राधा भी कितनी खुश हो जाएगी, तुम्हारे इंतजार में तो आधी हो गई है आधी। दामोदर कब आया? कल आया। यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? नहीं। कब तक रहने का इरादा है? अब तो यही रहने का इरादा है। हमारे दोस्त की परेशानी का कारण क्या बताएं युवराज, आज तो हम पागल हो गए। हमारी जिंदगी में 1000 लड़कियां आई और चली गई, लेकिन ये जो 1001 है इसने हमारा स्टॉप लगा दिया। वाह, सुनो जयकिशन। ओ इस बारी बड़े साहब दिल्ली से आए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं। नमस्ते जी। साहब जी, ये वो जयकिशन जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। ओ बहुत बहुत मुबारक हो भाई। थैंक यू वेरी मच। थोड़े ही वक्त में तुम तो हमारी कंपनी के हीरो बन गए। राजदूत मोटरसाइकिल के बारे में आपकी सजेशन मैंने पढ़ी, मुझे बहुत पसंद आई। जी शुक्रिया। क्यों बच्चों, हो गए तरक्की? भारत सिंह भारत कभी गलत बात नहीं करता। बुआ ये राधा कहाँ है? बुआ राधा कहाँ है? वो तो मोटर बाइक की फैक्ट्री देखने गई है अपने जिम्मी के साथ। जिम्मी के साथ? अकेले? मैंने भेज दिया तो क्या हुआ? ओफो बुआ, हमारे घरों में शादी से पहले इस तरह लड़के लड़के को अकेले नहीं भेजते। ये लव मैरिज है लल्ला जी, और लव मैरिज में शादी से पहले क्या क्या होता है उसका ज्ञान तो तुमको होगा ही। जरा समीप आते हैं, जरा नजदीक आते हैं, और पाँव में बाहें डाल के। ये हैं जिमी और ये हैं किशन। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जो आपने हमारे लिए नाटक खेला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो दामोदर जी का कीजिए जिन्होंने हमें इस चक्कर में फंसाया। बहुत अच्छे आदमी हैं दामोदर भाई साहब। ओ
तो ये है आपकी मोटर बाइक फैक्ट्री? हाँ, यहाँ पे मैं काम करता हूँ। तुम यहाँ पर काम करते हो? ठीक, मैंने सोचा कि तुम यहाँ के मालिक हो। जी नहीं, मजदूर आदमी हूँ। मजदूर? सैड, वेरी सैड, लेबर क्लास पीपल। एनीवे किशन, ये कुछ शर्ट्स हैं जो मैंने अपने लिए खरीदी थी, मुझे पसंद नहीं आए, तुम रख लो। नो सर, थैंक यू। टेक इट मैन, टेक इट। गरीब दोस्त की मदद करना मेरी आदत है, कीप इट मैन। नो थैंक यू सर, आपकी कमीज का साइज बहुत छोटा है सर, क्योंकि मेरा सीना आपसे बहुत बड़ा है, ना तो इसमें मेरी गरीबी छुप सकती है और ना ही आपके दोस्ती पर निखार आ सकता है। दिस गाय इज खुदार, आई लाइक खुदार पीपल। ये बाइक तुम्हारी है? जी हाँ, मेरी है। कौन सी है? यामा राजदूत 350, बहुत बेहतरीन बाइक है सर, हमारे कंपनी के सबसे नई मॉडल, नंबर वन बाइक इन इंडिया। इंडियन बाइक, इंडियन बाइक इज इंडियन बाइक। शिट पत्रा, शिट टायर एंड शिट। ये क्या बदतमीजी है जिमी? हाँ हाँ, गुस्सा मत करो डार्लिंग। जिमी ठीक है तो कह रहा है, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी है और विदेशी विदेशी। आप देखो ना इनका ये विदेशी पत्रा कितना ठोस है, यानी कि जहां भी मारो मजाने कुछ हो जाओ, यहां मारो वहां मारो कहीं भी मारो, मारते जाओ मारते जाओ। ओए, कहीं भी मारो कुछ नहीं होता। माय गॉड, सॉरी जिमी साहब, आपकी गाड़ी का पत्रा तो विदेशी ही था, लेकिन क्या करे, हाथ जरा हिंदुस्तानी पड़ गया और उससे आपकी गाड़ी को जरा से चोट आ गई। राधा को यहाँ लाने का बहुत शुक्रिया, अब राधा की इच्छा है जिस गाड़ी पर बैठना चाहे बैठ जाए। कम डार्लिंग, गाड़ी आपके इंतजार कर रही है। बाय बाय जिमी, कल सुबह फोन करना। थैंक यू मास्टर। नियत अच्छी हो तो खुदा भी साथ देता है। गुड मॉर्निंग सर। दिस मॉर्निंग इज रियली वेरी वेरी गुड। क्यों सर? अरे तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? हाँ, बंबई से पुणे तक मोटरसाइकिल की रेस होने वाली है, बाहर के मुल्कों से बड़े बड़े मोटरसाइकिल आ रहे हैं। हमारी कंपनी ने तेरे को सिलेक्ट किया है कि तू राजदूत 350 लेकर कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले। रियली सर? अरे बीच में बोलना बहुत जरूरी है क्या? फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपए का है, तू जीत गया तो राजदूत जीत जाएगा, राजदूत जीत गया तो कंपनी जीत जाएगी, तेरा घर बन जाएगा ड्रीम हाउस। आहा, क्या कुंडली, सप्तम में मंगल बहुत तेज है, तुला राशि में शुक्र की दशा यानी कि लड़की बहुत जिद्दी है, सो तो है, प्रेम विवाह करेगी। लड़के का नाम जैसे शुरू होगा जा? यानी के जिमी। लड़का इसी वर्ष वायु गति में हिस्सा लेकर प्रथम आएगा और सारी दुनिया में नाम कमाएगा, वही राधा का पति होगा। वायु गति? ओ मारी गई मेरी मती, मोटरसाइकिल रेस, कल संडे और मोटरसाइकिल रेस होने वाली है। लगातार सिंगापुर में 3 बारी मोटरसाइकिल रेस में फर्स्ट आया था और इस रेस में तो मैं जरूर हिस्सा लूंगा। जरूर हिस्सा लेना बेटा और फर्स्ट भी आना। हमारी इज्जत का सवाल है। बम्बई से पनवेल की रेस 20 मील की है और दुनिया से आई हुई इसमें 21 मोटरबाइक हिस्सा ले रही हैं। 9 नंबर एस्कॉर्ट कंपनी का जयकिशन, मोटरबाइक राजदूत 350, 16 नंबर मिस्टर जिमी थापा फ्रॉम सिंगापुर। जिमी बाबूजी, दुनिया से आए हुए 21 नौजवान जिन्हें देखने के लिए हजारों नवयुवक इस स्टेडियम में आए हुए हैं, उनमें एक अजीब जोश है, उत्साह है, उत्तेजना है और ये क्रॉस कंट्री रेस एक तरीके से बड़ी मेहनत है। भारत जी, नमस्ते अंकल। झूल रहा पुत्र, झूल रहा। कैसे और कबूतर कितने हैं? दिल्ली गया, दिल्ली और बड़े जोश में नजर आ रहे हैं सब लोग। पिछले साल हांगकांग में हुई रेस के विजेता जिमी थापा जी, मेरा जिमी थापा जीत गया ना तो ऐसी पार्टी दूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। और जे मेरा पुत्र जय किशन जीत गया तो मैं ऐसी पार्टी दूंगा कि तुम याद रखेगा। क्या है कोई राजदूत वाले जी? मेरे जिमी के
के पास होंडा है, होंडा। ओए होंडा, ओए या होंडा, जीतेगा मेरा मुंडा। इलेवन गुड मोबाइल क्रेज ओपन टुडे। वन टू थ्री फोर। बिल्कुल आगे हैं और उन्हें पीछा कर रहे हैं नंबर 9। नंबर 9 को क्रॉस किया है नंबर 16 जिम्मी थापा ने, और जिम्मी थापा ने ये रेस बिल्कुल आगे चला अपनी तरफ भेज दी है और जिम्मी थापा आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 16 के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाए जा रहे हैं नंबर 9 एक बड़ी आग और गर्मी के साथ लेकर बढ़ रहे हैं आगे। नंबर 9 बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। नंबर 9 जिम्मी थापा को छोड़ दिया है और नंबर 9 छोटा मत करो बेटे, हमने तुम्हारी और राधा की शादी के लिए पंडित जी से कह दिया कि जल्दी से कोई तारीख निकाले। बाबूजी, आप गॉड हैं, आप महान पुरुष हैं और मैं एक चोर हूं, धोखेबाज हूं। आज दामोदर के आने से पहले पहले मैं आपको सब सच बता दूंगा। क्या बताना चाहते हो, कहो कहो। बाबूजी, दरअसल सच यह है कि मैं
मैं आपका होने वाला दामाद नहीं हूँ। आपके साथ नाटक खेला गया है जिसके अंदर फर्जी दामाद मुझे बना दिया गया है। दरअसल आपका होने वाला दामाद और कोई है। कौन है वो? वही जो आज की रेजीता है, जैकी। मुझे मारिए, मुझे पीटिए, मुझे तो अपनी किए की सजा मिलनी है, लेकिन सच यही है कि भारत सिंह भारत ने जैकी की जीतने की खुशी में आलीशान पार्टी दी है और उस पार्टी के अंदर जैकी और राधा स्टेज के प्रोग्राम में हिस्सा भी ले रहे हैं और उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट भी आप ही को बनाया जा रहा है। ये सच हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे। हम पार्टी में जाएंगे, जरूर जाएंगे। बाबूजी यहाँ आए हैं। देखो राधा, मैं नहीं चाहता कि तुम पार्टी में किशोर के साथ गाना गाओ, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं गाना गाऊंगी। राधा, बाबूजी को सब कुछ पता चल गया है और इसकी वजह तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं हो सकता। नो राधा नो, आई प्रॉमिस यू मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। बट आई लव किशन। फिर तो बर्बादी ही समझिए। मंजूर है। आइए किशन, बाबूजी यहाँ आ गए हैं और ये सब शरारत जीबी की है। हाँ मैंने सब सुना। हे भगवान, मेरे प्यार की लाज रखना। एक दिन पर्दा उठना ही था, आज उठ जाने दो। जब झुकते हैं सारे झुकते हैं।
बाबू जी बहुत सख्त नाराज है। उन्होंने कहा कि तुम चुपचाप सीधे घर चलो, नहीं तो सॉरी लेडीज एंड जेंटलमैन, वो क्या है कि हमें बहुत जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा, सॉरी। हाँ चले। फौरन वापस घर आ जाए, हाँ जरूरी काम है, उसे कहना है। हाँ जानता हूं बाबू जी, कल रात के हादसे की वजह से आप पूरी रात सो नहीं सके होंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आज आपकी हर धमकी का जवाब दिया जाएगा मिस्टर जैकी दादा, कहो क्या कहने आए हो। नहीं बाबू जी, मुझे याद है इसी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं आपके सामने राक्षस बनकर आया था, तब मैं जैकी था, आज मैं जयकिशन हूं बाबू जी। मुझे उस हैवान से इंसान बनाने वाली लड़की आप ही की बेटी राधा है, ये उसी की मोहब्बत है बाबूजी। आज इसी सत्य पर हिम्मत करके मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। इस घर में पाँव रखने की सजा जानते हो तुम? मैं बहुत सजा भुगत चुका हूं बाबूजी, और हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। फिर मेरी आखिरी सजा भी देख लो। ये क्या कर रहे हैं आप? रुक जाओ जमुना, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। नहीं काका नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपकी बेटी, अपने घर की इज्जत का ख्याल रखिए।
मेरे घर की इज्जत नीलाम करने वाला कमीना गुंडा यही है। इसने मेरी बेटी मुझसे छीन ली, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ, इसी ने छीना है आपकी बेटी को, इसी ने। छल्ली कर दीजिए इसके सीने को, कर दीजिए। लेकिन याद रखिए बाबूजी, पहले आपकी गोली आपकी अपनी बेटी पर चलेगी। राधा 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 तो किशन की बांसुरी है बाबूजी, उसे कौन अलग कर सका है। वो जिएगी उसके साथ और मरेगी उसके साथ। ये क्या कर रहे हैं आप? उसका नहीं, मेरा तो सोचिए। अरे कल मुही जिस बाप ने हजारों खूनी डाकुओं को पकड़ा, उसी को तो खूनी बनाना चाहती है। हाय राम जी, मेरे भैया को आंखें दिखाती है इस मुजरिम के लिए। मुजरिम? मुजरिम ये नहीं, मुजरिम तुम सब लोग हो जो इसे अच्छा बनने से रोकते हो, बुरा बनने पर मजबूर करते हो। अरे जा कल मुही, बना ले तू इसे अच्छा। चली जा, 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 चली जा। हमारे लिए तो तुम मर चुकी है, मर चुकी है। भाग जा इसके साथ, भाग, कोई नहीं रोकेगा तुझे। हाँ चली जाऊंगी इसी वक्त। चलो किशन। नहीं राधा, ऐसे नहीं ले जाऊंगा तुम्हें। माँ जी, माँ जी, अगर राधा को भगा कर ले जाना था तो 2 साल पहले ही ले गया होता, लेकिन अब ले जाऊंगा तो इज्जत और स्वाभिमान के साथ। स्वाभिमान? स्वाभिमानी खानदानी लोग होते हैं, एक गंदे खून की औलाद नहीं, क्योंकि गंदे खून की औलाद को हम गुंडे के नाम से जानते हैं। बाबूजी! सॉरी, मैं आपको बाबूजी कह गया। आप जी कहलाने के भी हकदार नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब जरूर थे, लेकिन आपसे बड़े आदमी थे। खड़ाए हुए दुश्मन को भी मेहमान की इज्जत देना जानते थे वो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ किशन, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। जाता हूँ, पर इन्होंने जो मेरे माँ बाप को गाली देकर मेरे खून को ललकारा है, मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं मिलूंगा राधा से, कभी नहीं। मैंने सिर्फ राधा का हाथ मांगा था, राधा की भीख मांगने नहीं आया था मैं। किशन, मार गया ना हम सबके मुंह पर तमाचा, कल मुझे अपना शर्म कर। नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, बहुत इम्तिहान दिए हैं उसने इस प्यार में, सच में बड़ा नेक इंसान है। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई भी मोहब्बत पर विश्वास नहीं करेगा। एक एक बरस तरस तरस कर काटे हैं हमें सिर्फ आपकी इज्जत की खातिर। बाबूजी, मैं अपने प्यार की भीख मांग रही हूँ, मुझे अपना प्यार दे दीजिए बाबूजी। और तूने अपने बाप के परसों के प्यार का ये इनाम दिया है, मेरे प्यार का ये इनाम दिया है तूने। बोल बोल बोल, इसे कह दीजिएगा इसके बाबूजी हमेशा के लिए इसके लिए मर गए, मर गए। जिम्मी की शादी तय की जाती है। हेलो, सिंगापुर से कॉल है, बात कीजिए। हाँ मिस्टर सिंह, जिम्मी बोल रहा हूँ। आपको मेरी शादी का कार्ड मिला? हाँ मिला, तुम्हारा कार्ड देखकर सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है। श्रीकांत तुम्हारा ही रिश्तेदार नहीं,
मेरा भी रिश्तेदार है, इसीलिए तो मैंने ये रिश्ता पक्का किया पार्टनर। आप बॉम्बे आ रहे हैं ना? मैं क्या, हम सब बाराती बनकर आएंगे बैंड बाजों के साथ। समझ गया। और फिर मुझे एक और रिश्तेदार से भी मिलना है। जैकी दादा इतना मत पीजिए, जैकी दादा भगवान के लिए प्लीज। भारत जी आप आइए आइए बैठिए। भारत जी। जय किशन मुझे सब पता चल गया बेटे, तुम पीना चाहती हो ना, पियो और पियो। पता चल गया। और पियो। पियूंगा, खूब पियूंगा, इतना पियूंगा कि सीने का खून गले तक और गले का खून पार तक, और फिर उस खून से श्रीकांत के पंगले के बाहर एक नाम लिखूंगा, राधा। वाह बरखुरदार, जंग लड़ने से पहले ही हार गए? हारा नहीं साहब, हारा नहीं, जब से मेरे माँ बाप मरे हैं तब से लड़ता आया हूँ भारत जी, तब से लड़ता आया हूँ, कभी जय किशन के नाम पे, कभी जय की दादा के नाम पे। नाम बदलते रहे, लोग बदलते रहे, लेकिन मेरी तकदीर नहीं बदली साहब, तकदीर नहीं बदली। लेकिन भारत जी जो मजा जय की दादा में है वो जय किशन में नहीं, जय की दादा एक गुंडा। गुंडा कहा था श्रीकांत ने मुझे? जैकी दादा उसने मुझे गुंडा कहा था भारत जी। जैकी दादा, जैकी दादा। हाँ हाँ मैं गुंडा हूँ श्रीकांत, एक गुंडा। अरे जान नहीं चाहिए तेरी बेटी, तू क्या समझता है भीख मांगूंगा तुझसे? जैकी दादा। अरे अनाथ और गरीब हुआ तो क्या हुआ, अपने बल बूते पर जिया हूँ मैं, बहुत हिम्मत से जिया जैकी दादा। जैकी दादा बहुत ताकत है मुझ में। जैकी दादा, जैकी दादा, जैकी दादा, जैकी दादा। राधा की शादी के कार्ड भले ही बढ़ चुके हों, लेकिन ये जिमी जो लड़का है मुझे इसका करेक्टर कोई अच्छा नहीं लगता। मेरे डिपार्टमेंट की भी यही राय है। तुम्हारा शक ठीक निकला था मोदर, ये रही जिमी की रिपोर्ट। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से लाया हूँ, वो एक स्मगलर है, उसका ताल्लुक एक सिंगापुर की स्मगलिंग गैंग से है, ये रही उसकी फाइल, सबूत मिलता है हम उसे पकड़ लेंगे। ये सब झूठ है। ठीक है जी, मैं झूठा, दमोदर झूठा, सीआईडी वाले झूठे, सच्चा तो सदा यार श्रीकांत है। लेकिन चाचा ये सब कैसे? जो जोश खाता चुप रहना तू। अरे दमाद स्मगलर होवेगा, साड़ी कोठी गांजे फीम नाल भर जाएगी, हम करोड़पति हो जाएंगे, हमारी लड़की बड़ी खुश हो जाएगी, हमारा खानदान ऊंचा हो जाएगा। भारत जी। हाँ जी, कुछ आया समझ में? मुजरिम नहीं हो सकता, ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जिमी एक स्मगलर मेरा दामाद नहीं बन सकता, सो मैं ये शादी कैंसिल कर रहा हूँ। अपनी इज्जत का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हें इस धोखे के लिए बहुत बड़ी सजा देता श्रीकांत। जिमी प्लीज। नहीं नहीं, अरे के ले आओ। ओह नो जिमी, ये क्या किया तुमने, ये क्या किया? जिमी पागल हो गए जिमी, क्या हुआ तुम्हें? इजी रिलैक्स जिमी, शांत शांत, क्या हो गया तुम्हें? शांत जिमी, इजी, टेक इट इजी बॉय, इजी। कौन है? मैं अभी आया। ये देखिए जिमी ने क्या किया, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। मेरे कुछ आदमी मेरे साथ आए हैं, उन्हें ऊपर भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लेता हूँ। ओके सर। सर इन्होंने फिर वही गोलियां खा ली जो डॉक्टर ने मना की थी।
श्रीकांत ने जिम्मी की शादी तोड़ दी। देखते इसमें क्या लगा? सर, ये तो वही लड़की है जिसे हम जैकी के साथ भगा के ले गए थे। इस सारे फसाद की जड़ जैकी है सर। जैकी, मुझे इसी वक्त जैकी चाहिए। बिला, मुझे फौरन जैकी चाहिए, जिंदा या मुर्दा। पत्थर की दुनिया, पत्थर के दिल, पत्थर की हीर, तू जैसी भी है मंजूर है, मंजूर है मुझे। बिला, आओ बिला, आओ बिला। आप झगड़ा नहीं कर सकता, मैं बहुत झगड़ा कर लिया बिला। जैकी दादा, आ आशिक की जगह जमीन पे नहीं ऊपर होती है। आ? ये क्या है, मुझे देना। बिल्ला, बिल्ला हाथ नहीं लगाना इसे, बिल्ला हाथ नहीं लगा इसे। जयकिशन का दोस्त बोल रहा हूँ। जयकिशन का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। नहीं। वो इस वक्त नानावटी हॉस्पिटल में है। वो कभी भी सांस तोड़ सकता है। नहीं। आप फौरन चले आइए। बाकी का प्रोग्राम मुझ पर छोड़ दो। अरे ओ दीवानी, कहाँ भागे जा रही है? कोई है? अरे कोई है? अरे राधा, ओ राधा! अरे ओ दीवानी, मेरी बात तो सुन। राधा, राधा! ड्राइवर गाड़ी मुझे, अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे क्या क्या हो गया? छोड़ दो, इसको कुछ हरा पड़ा है, मेरी मदद कीजिए। आइए 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 मेरे साथ, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ज्यादा शोर पसंद नहीं, चुपचाप बैठी रहो। डॉक्टर साहब, खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन होश में आने में थोड़ा टाइम लगेगा।
हेलो भाषा, भाषा की भाषा तो आप जानते ही हैं। अब देखिए ना, आपकी बहन और बेटी की इज्जत मेरे हाथ में है और मेरी इज्जत आपके हाथ में है। मेरे तीन साथी आज शाम 5 बजे सिंगापुर फ्लाइट से आ रहे हैं। उनके पास 3-4 बैग्स होंगे। बस कस्टम्स और पुलिस से बाहर निकलवाना आपका काम है। बट नो पुलिस प्लीज। आप लोग अपना सामान चेक करिए, चलिए। व्हाट? अच्छा, श्री कांत ने हमसे धोखा किया है। हमारा सारा माल और सब साथी पकड़े गए। सिर्फ मैंने सुना ईमान से। युवराज। यस सर। श्रीकांत की बेटी कहां है? जिमी के पास। जिमी? जिमी से कहो कि उसकी इतनी खातिर करे कि श्रीकांत भी पाशा की भाषा हमेशा के लिए याद रखे। मोहब्बत में इंसान अगर शैतान भी बन जाए तो भी जायज है। अरे हराम के जने, काट कर तुझे बाहर फेंक दूंगी अगर मेरी बिटिया को हाथ भी लगा तो। ए, नो 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 नो, इस बेचारी को अंदर ले जाओ और थोड़े हीरे और दे दो, खुद ब खुद चुप हो जाएगी। अरे जा जा कमीने, तू क्या खरीदेगा जमुना को? अरे तेरे हीरो पे तो अपने पांव की जूती में भी ना लगाऊं, समझा? ज्यादा चिक चिक मत कर बुढ़िया। बुढ़िया बुढ़िया, तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा सारा खानदान, तेरी मौसी, तेरी दादी, तेरा चुरमा ने बना दिया तो मेरा नाम भी जमुना नहीं, अपने आप पर समझ तक क्या है कुत्ता? ले लो साली बुढ़िया को। अरे आप कुतिया की औलाद, अकेला आ, तेरा बैंड ने बजा दिया तो मेरा नाम भी जमुना नहीं, चमचा से क्या बोलता है कुत्ता कमीना, समझ तक क्या है अपने? बंद कर दो बुढ़िया को अंदर। जिमी, अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। नहीं, तुम अपनी जान इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि तुम्हारी जान जो अस्पताल में तड़प रही है उसकी तस्वीर इस कैसेट में है। हिंदुस्तान में वीडियो आने से जुर्म और भी आसान हो गया है। क्या काका ने ऐसा किया? हाँ काका ने, काका ने पाशा के सभी आदमियों को पकड़वाकर राधा बहन के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी साहब। तुम लगाओ मेरे साथ। एक मिनट, मेरे इंस्पेक्टर भाई, ये काम पुलिस बन के नहीं हो सकता। बंगाली, तू अस्पताल जा और जगह ख्याल रख, और देख उसे कुछ बोलना नहीं। अच्छा। तुम्हारा कृष्ण अस्पताल में दम तोड़ रहा है, जरा गौर से देखो। जब मैं अस्पताल से उसकी ये वीडियो फिल्म ला सकता हूँ तो उसे मौत के घाट भी उतार सकता हूँ। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरा सिर्फ एक टेलीफोन और तुम्हारा किशन गॉड के पास। नहीं जिमी, नहीं, ऐसे बेरहम मत बनो, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ जिमी। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन मेरे किशन को कुछ मत करना, कुछ मत करना। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। जैकी दादा। बंगाली। जैकी दादा, जैकी दादा, सब गड़बड़ हो गया जैकी दादा, सब गड़बड़ हो गया। काका आपने सब गड़बड़ कर दी। हमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है, हम अपनी बेटी के लिए अपनी जान दे सकते हैं, अपना ईमान नहीं। ठीक है, फिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाइए आप। अब मोहित, राधा के पास पहुंचने का रास्ता तुम लोगों को मालूम है ना? जी हाँ, हमारे सिवा किसी को मालूम नहीं। फिर एक काम करो, जिस तरह तुम लोग उस दिन राधा को उठा के ले गए थे ना, उसी तरह आज काका को उठा के वहां ले जाओ। दामोदर। क्रोध नहीं काका, क्रोध नहीं, मैं भी तो आपके साथ वहां चलूंगा, लेकिन मैं वहां चलूंगा भेष बदल कर। इंस्पेक्टर भाई, जब भी आपने भेष बदला है ना, पहली हुए। ओयो शट अप एंड वॉच माय न्यू गेट अप। हेलो
शाबाश मेरे शेरो, आओ आओ श्रीकांत, तुम तो मुझे फांसी चढ़ाने वाले थे ना, देखो अब मैं तुम्हें किस तरह से फांसी चढ़ाता हूं। और जिमी, जिमी तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। अरे उस जिमी के बच्चे को तो हम खुश कर देंगे, ना हमारे सामने तो ले आओ उसे, कंबक को इतना जूता मारेंगे, इतना जूता मारेंगे कि खरगोश बन जाएगा वो। कौन है ये? सर ये कोई बहुत बड़ा फ्रॉड लगता है, एयरपोर्ट से जब हमने आईजी का पीछा किया तो देखा कि ये पहले ही से आईजी को अपने कब्जे में करके ले जा रहा था। फिर हम इन दोनों को पकड़ के लिए आए आपके सामने। ईमान से तुमने शैतान को यहाँ लाकर अपनी मौत को बुलाया है ईमान से। इंटरेस्टिंग, मगर हुजूर आपकी तारीफ। आज जिमी की शादी होने वाली थी, सिंगापुर से आने वाले तीन बारातियों में से हमारा एक दोस्त था फारूक, जो हमारे 2 करोड़ के हीरे ला रहा था, वो पकड़ा गया, हमारा माल पकड़ा गया, इसलिए हमने इस आईजी को पकड़ लिया। अब हम हिंदुस्तान की सरकार से इसकी जान की कीमत मांगेंगे, यानी आईजी ऑन रैंसम, अंडरस्टैंड? आप हैं मिस्टर? बुलाऊं तो आओ। तुम यहाँ 7 चश्मे भी लगाओगे हमारी असलियत नहीं पहचान सकोगे। ये देखिए ये है हमारा पासपोर्ट, बुलाऊं तो आओ तो का। Brutus Thomas from Australia. Yeah, I'm 1945 in Australia during the independence struggle. I struggled really hard but couldn't make any money out of this business, that business, all that business. Ultimately, I became a millionaire by smuggling gold. And this is my passport. No! लाले लाल गुलाले लाल फ्रॉम मॉरिशियस। हमें बचपन से हुलिया बदलने का बहुत शौक है, लेकिन ये है हमारा फुल एंड फाइनल हुलिया। हमारा असली नाम है जनाब इरफान पख्तूनी, अफगानिस्तान से भागा दुनिया भर में। तो ये आदमी कौन है? मुझे तो ये जोकर नजर आता है। कोई बात नहीं, श्रीकांत तो रोते रोते मरेगा और ये हंसते हंसते। लाजवाब। Thank you.
खतरा कहने को शबनम का खतरा कतरे में तूफान है
तुम राधा को जल्दी से ले जाओ, नीचे काका फंसे हुए हैं, मैं उनको देखता हूँ। नहीं दामो भैया, राधा बाबूजी की इज्जत है, इसे आप ही संभालिए। जैकी। हाँ ठहरो। संतो, हिलना नहीं पाशा। तुम्हारी सल्तनत पलटा खा गई है ईमान से। क्या? जैकी। जैकी, ये मत भूलो कि ये भाषा तुम्हें पाशा ने सिखाई है। आओ, आओ। ठीक है, तुम इंस्पेक्टर शिंदे से कहना मुझे 10-15 मिनट के बाद फिर फोन करें। हे भगवान, तेरे बच्चे को मुझसे मत छेड़ना, एक ही इकलौती बच्ची है मेरे। किशन, बेटे आके तो हमारी झुकनी चाहिए तुम्हारे सामने। हमने तुम्हें पहचानने में बहुत देर की, हमने समझा कि हमारे ऊंचे खानदान के सामने तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हें छोटा कहने में हमारा छोटापन था। राधा को हमने जन्म दिया, मगर उसकी इज्जत और जान बचाकर तुमने उसे दूसरा जन्म दिया।
तुम इस घर से अकेले ही चले जाओगे, अपनी राधा को साथ नहीं ले जाओगे? बाबूजी, बेटे, बेटे, मोहब्बत में इंसान क्या से क्या बन सकता है, यह हमें आज समझ आया। और इसी समझ ने तुमको हमारा हीरो बना दिया। दो भैया, अब एक बात याद रखना, इनका जो था है ना, था था, उसे भूल जाना, और ये क्या हैं और क्या होंगे ये याद रखना। फैमिली फोटोग्राफ स्माइल।